नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। हमारा मान सम्मान और हम समरसता के हिसाब से हम रहते हैं, लेकिन ऐसा होना एक दुर्घटनापूर्व है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसको राजनीति तूल नहीं दें। निश्चित रूप से जो भी घटना हुई उसके बारे में एक आपसी बैठ के बातचीत करना चाहिए, क्यों हुई, और पुलिस अपना काम करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। सर, आप एक जो कमेटी के संयोजक है, उस कमेटी में खास तौर पे एक तो नाम जो करण जो है पुराना हुआ था उसको बदलाव का है, एक नए जिलों को लेकर जो कमेटी का गठन हुआ था उसका कई बैठकें भी हो गई, कुछ निस्तारण निकला नहीं, जो नए अभी जिले गठित किए गए थे पिछली सरकार में उसको लेकर? अभी हमारी उप समिति की एक दो दिन में हम तय करेंगे, निश्चित रूप से उसके बाद ही बता पाएंगे। अभी पूरी समीक्षा हो रही है, सारे जनप्रतिनिधि वहाँ के लोगों से मिलकर कैसा अच्छा होना चाहिए और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक राइजिंग राजस्थान को लेकर एक बड़ी समिट होने वाली है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो अधिकारी है, मंत्री है, तमाम लोग लगे हुए हैं, किस तरह देखते हैं, कितना निवेश की संभावना नजर देखिए, आती है? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जब इस राजस्थान की जो बागडोर संभाली थी उसके बाद ही इस बात को लेकर चिंतित है कि मैं विकसित भारत का सपना, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, उसमें मैं विकसित राजस्थान किस तरह बना के दूं। इसके लिए उन्होंने हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, औद्योगिक दृष्टि से हमारे बिजली पानी और जिस तरह से जो इन 8 महीने में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये संदेश से जनता में एक अमूमन जा रहा है कि विकसित राजस्थान का सपना पूरा होगा। भाई साहब, चूंकि आज मुख्यमंत्री जी बॉम्बे में भी है, आने वाले दिनों में अलग अलग जगह के रोड शो भी होगा, किस तरह देखते हैं, क्योंकि दिसंबर में आयोजन होगा, निवेश की यदि बात की जाए तो एक बड़ा रोजगार, बड़ा निवेश राजस्थान में आ सकता है, क्या उम्मीद है? किसी भी देश या प्रदेश का विकास औद्योगिक विकास के साथ जुड़ा होता है, और उस देश और प्रदेश के विकास में उद्योग अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान प्रदेश में अनेक तरह की प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, और उनका दोहन हो, उसकी इंडस्ट्री लगे और हमारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर राजस्थान में आवे, इसीलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने राइजिंग राजस्थान के नाम से नवंबर के अंत में या दिसंबर में एक बहुत बड़ा समिट रखा है। उसके लिए देश और विदेश में जितने भी हमारे उद्योगपति उनको आमंत्रित किए जा रहे हैं, और इसी सिलसिले में आज माननीय मुख्यमंत्री जी बम्बई में रोड शो कर रहे हैं, और रोड शो का तात्पर्य यह है कि हमारे जितने भी उद्योगपति उसको जानकारी दी जाएगी कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कौन से उद्योगों की संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं के आधार पर वो यहाँ से दोहन कर, यहाँ उद्योग लगाकर राजस्थान और स्वयं का विकास कर सकेंगे, विदेश में भी जाएंगे, देश में भी जाएंगे, और हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे हमारा राजस्थान अमृत काल में एक समृद्ध और विकसित प्रदेश बने। इसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री लगे हैं और उनकी टीम के हम सब सदस्य भी उनके साथ रात और दिन लगे हुए हैं।